हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं अनंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवी विला। तो मैं बात कर रहा हूं जो मैं अभी जस्ट टीज देखा हूं मैंने अटैक की टीज के बारे में। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ब्लास्ट मचान, मतलब जो भी कहना चाहूँगा, टॉप क्लास की वो टीज कट की गई है। मैं जॉन अब्राहम साहब से यही कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने बैक में पास्ट में जो फिल्म बनाई थी सत्यम जयते टू, इस टाइप की कन्फ्यूजिंग और ना मतलब कि ये प्रेडिक्ट टाइप की मूवी ना बनाए। वो अपने में 444 क्या क्या रोल कर रहे हैं, आप खुद ही मुजरिम सब चीज़ की रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब ऐसा ना करें। इतनी गंदी लगी थी वो फिल्म, मतलब कि मुझे वो फिल्म देखने के बाद 2 घंटे तो मैं हॉस्पिटल में था, ऐसा लग रहा था मुझे। फिर फाइनली मैंने अभी जब अटैक की टीज देखी, अभी लगा कि जॉन अब्राहम ने अपनी वापसी कर ली है। इसे देख के लगा कि हाँ, मैं नेक्स्ट फिल्म उनकी देखी जाऊंगा और ये फिल्म तो डेफिनेटली देखने जाऊंगा, क्योंकि टीज इतनी अच्छी कट की गई है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जितने भी टीज बॉलीवुड में कट किए जा रहे हैं, वो सबसे अच्छी टीज इन्होंने कट की है। जिन्होंने टीज की, तो टीज में हमें जो देखना था वही दिखाया गया। सबसे पहले इमोशन आप पहले ही पता है हम लोगों को, जैसे कि हम लोगों ने परमाणु मूवी भी देखा था, वो लास्ट सीन में जब क्लाइमेक्स में जब रोते हैं, वो मतलब ना ऑडियंस क्लैप करती है, इमोशन रहती है। इस प्रकार इस मूवी में भी इमोशन तो होंगे ही होंगे उनके सीन्स में। और बात करें जो अटैक में जो सीन्स दिखाए गए हैं, वो मतलब कि लग रहा है कि थोड़ा हॉलीवुड को टच करने जा रहे हैं। इतनी अच्छी उन्होंने एक्शन के बारे में बताया गया, इधर से ब्लास्ट हुई, उधर से गोलियां चल रही है, उसके बाद बीच में रोबोटिक कुछ उनके पीछे में अगर देखा गया है तो टीजर पर बताया गया कि कुछ लगाया जा रहा है, जैसे कि साइंस फिक्शनल टाइप से हो, ऐसी हो सकती है शायद मूवी हो, तो ट्रेलर आने पर पता चलेगा। बात करूँ अगर मैं टीज की, तो टीज काफ़ी अच्छी कट की है। शुरू में जॉन अब्राहम बैठे हुए नजर आते हैं अपने पैरों पर, जिसके बाद दौड़ते हुए नजर आती हैं जैकलिन फर्नांडिस। मैं यही बात करना चाहूँगा, जॉन अब्राहम जिस समय में इमोशन पे दिख रहे थे, उसी प्रकार जब जैकलिन फर्नांडिस आती हैं, वो टट्टी करती हुई आती है। पता नहीं मुझे जैकलिन फर्नांडिस के बारे में, पता नहीं मुझे वो कन्विंस ही नहीं कर पाती हैं। उसके बाद सीक्वेंस चालू होती है जॉन अब्राहम सर के, जहाँ पर इमोशन भी दिखाया गया है, गोलियाँ भी चल रही हैं, साफ बैकग्राउंड में जुबिनेटल का सॉन्ग भी चल रहा है। उसके बाद सीन्स चेंज हो रहे हैं, एक बार चेंज हो रहे हैं, मतलब काफ़ी बेहतरीन लग रही थी। लास्ट में जब जॉन अब्राहम निकलते हैं उनके फेस से सीक्वेंस के साथ में, वो काफ़ी बेहतरीन लग रही है। इसी के साथ में यही कहना होगा, टीज काफ़ी अच्छी कट की गई और काफ़ी अच्छी लग रही है, प्रमोशिंग लग रही है जो मूवी है। बाकी तो ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। और इसी के साथ में इस रिव्यू को मैं ख़त्म करना चाहूँगा दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। और इसी के साथ में अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय मेरे दोस्तों।